अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से इस डेटा के साथ देखिए, बहुत आसान शब्दों में इस डेटा के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने देखिए पांच स्पीसीज यहां पे दी हुई है, ए बी सी डी ई, आधा डेटा दिया है, आधा फिल कर सकते हैं डायगोनली अपोजिट करके, जब अपोजिट करेंगे अपने आप होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जब दो वैल्यूज है तो दोनों ही रखेंगे, जैसे इसका डायगोनल होगा 2 का डायगोनल 2, इसका डायगोनल 0 के इस डायगोनल पे 6 है तो इधर के साइड में जो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 के डायगोनल जो है यहाँ 5 हो जाएगा, मिरर इमेज जैसा है, और फिर 10 का 10, फिर यहां से करेंगे तो ये है 4 और इधर 8, इधर की तरफ तर करेंगे तो 8 और 6, यहां से करेंगे तो 3, सॉरी 4 आएगा ये, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ डायगोनल, यहां से मिरर अगर आप देखना चाहे तो ऐसे मिरर लगा दीजिए और पलट दीजिए, जस्ट आपको अगर अपोजिट करना है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे इस साइड पे एक मिरर लगा हुआ है और यहां से ऐसे पलट दिया, दैट्स द फिलिंग, आराम से फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक तौर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस तरीके से करना। ट्री अगर ड्रॉ करना है तो बेसिक तौर पे इसमें हमें मोटा मोटी क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि सबसे मिनिमम वैल्यूज, तो मिनिमम वैल्यूज अगर इसमें देखेंगे तो वो अकेली है, वो है, वो अकेला है, वो है 2। द मिनिमम वैल्यूज इज हियर 2, यानी किसकी फैमिली बनी, ए और बी की। तो सबसे पहले ए और बी की फैमिली बना लीजिए, ए और बी की फैमिली बन गई और उसपे नोड वैल्यूज कितना है, 2, नोड वैल्यूज ही रखा करे, बाद में स्प्लिट करने की जरूरत हो तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, जब पहले नोड लिखा करे, पहले स्प्लिट करेंगे तो कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 2, ए और बी की फैमिली तो बन गई, अब पूरे टेबल में जो मिनिमम वैल्यूज है वो है डी और ई का, डी और ई का, तो डी और ई की अलग फैमिली बनाएंगे क्योंकि डी और ई अभी जुड़े नहीं है। देखिए मिनिमम वैल्यूज है उसके बाद 3, पहला मिनिमम वैल्यूज था ये, इसके बाद ये था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है डी और ई को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है जिस मिनिमम वैल्यू पे जुड़ रहे हैं वो 3 पे जुड़ रहे हैं, डी और ई 3 पे, नोड वैल्यू 3। अब दो फैमिलीज बन गई, कौन कौन सी, एक फैमिली जो बन गई वो बन गई आपके ए बी की, ठीक है, और दूसरी जो फैमिली बन गई, एक ए बी की बन गई फैमिली और दूसरी जो फैमिली बन गई है वो है आपकी डी ई की। दो फैमिलीज मिनिमम वैल्यू से आपने निकाल लिया, अब सवाल आता है कि सी किस फैमिली का मेंबर होगा। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि सी किस फैमिली फैमिली का मेंबर है, क्या वो ए बी फैमिली का मेंबर है कि डी फैमिली का मेंबर है। नाउ आपको दोनों से कैलकुलेट कर लीजिए डिस्टेंस, ए बी का अगर सी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका एवरेज लेंगे, अगर आपको ए बी का सी के साथ डिस्टेंस करना है तो इसका एवरेज लेंगे, और इसका एवरेज कितना आएगा, ए बी का जो है डी के साथ, सी के साथ जो डिस्टेंस है वो है 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.5, ये आ जाएगा। और ए बी इस डी ई का सी के साथ देख लीजिए, सी यहां पे है और डी यहां पे है, तो डी ई का सी के साथ वाला डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये जो है डी ई का सी के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 8 + 4/2 यानी 6 आ रहा है। तो अगर मोटा मोटी ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सी है वो ए बी से ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मोर सिमिलरिटी, सी जो है डिस्टेंस कम है तो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं सी किसके साथ होगी, ए सी की, ए बी के साथ। तो हमने ए बी के साथ जोड़ दिया सी को कुछ इस तरीके से, कितने पॉइंट नोड वैल्यू पे कितने पे जोड़ेंगे, 5.5 पे जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब ए बी सी की फैमिली बन गई और डी ई की फैमिली बन गई, अब ए बी सी और डी ई कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, लेकिन वो किस वैल्यू पे जुड़े होंगे इसको कैलकुलेट करना है आपको, और नोड वैल्यू करने के लिए आप एबीसी की फैमिली और डी को एवरेज ले लीजिए। वो देखिए अगर समझे हम यहाँ पे, तो वो क्या है कंडीशन, वो है आपके पास एबीसी, देखिए ये पूरा फैमिली ये बन गया और डीई की फैमिली ये बन गई, रो और कॉलम को फिर मर्ज करेंगे तो ये वाला आएगा, इसका एवरेज ले लीजिए। तो नाउ यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस, सो 10 + 4 + 8 + 8 + 6 + 4/6, क्योंकि 6 डेटा है तो 6 लिखा,
सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 6 4 10 10 10 20 20 12 32 8 40 40 बटे 6 लगभग लगभग ये वैल्यू कितना आ रहा है 6.6 समथिंग है ना, 6.67 आएगा। तो ये वैल्यू जो है 6.67 के आसपास होनी चाहिए, मोटा मोटी यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने कैलकुलेट कर लिया, बन गया ट्री, बन गई चीज। ये क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर का था। ये क्वेश्चन देखिएगा, यही क्वेश्चन इन्होंने सीएसआईआर ने पूछा था कि ये इस तरीके से आपको यूपीजीएम में डेटा दिया जा रहा है, यू नीड टू ड्रॉ द, आप इसमें से अब देखिए, खुद सोचिए क्या कंडीशन है। जब ये चार ऑप्शंस दिए थे इन्होंने, एक ए ऑप्शन दे दिया था, एक बी ऑप्शंस दे दिया था, एक सी ऑप्शन दे दिया था और एक डी ऑप्शंस। एंड अब सॉल्व करना था आपको ए बी सी डी ई। ए बी की फैमिली एक बन रही थी, नोड वैल्यू 2 पे था, यानी कि आपके पास पहला ऑप्शन भी हो सकता था, बी ऑप्शंस भी हो सकते थे, सी बी डी बी। डी ई की फैमिली जो बन रही थी वो बन रही थी आपके एक फैमिली 3 पे, वो आपका पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है। जब आपने सी को कैलकुलेट किया तो सी की फैमिली जो है वो डी ई के साथ थी कि आपके जो है ए बी के साथ थी, किसके साथ थी? अभी आपने देखा था यहाँ पे मेरे पीछे एक ऑप्शन छुप रहा होगा, ठीक है, तो मे भी आपको लग रहा होगा कि नहीं क्या होगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर ले रहा हूँ, इस साइड कर दे रहा हूँ, सो दैट आप जान पाए। तो अब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ इस तरीके से कैसे चल रही चीजें, ठीक है। सो यू कैन इजली देख सकते हैं कि इस पूरे टेबल में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो जिसमें सी फैमिली को बी ए बी के साथ इंक्लूड किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी इज इंक्लूडेड एट ए बी एट द वैल्यू ऑफ 5.5। ठीक है, इसमें एबीसी जहां डी ई के साथ जो रखा गया है वो वैल्यू गड़बड़ है या सही है? देखिए यहाँ पे ये पोजीशन जो है, इवन ये ऑप्शन भी यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए 6.67, बट यहाँ पे इन्होंने 7.5 मेंशन कर रखा है, लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से ये सही है, लेकिन कंप्लीट सही नहीं है। कंप्लीट सही करने के लिए जो है थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आई एम वीरेंद्र सिंह, आई टीच सी एस आई आर ऑन अन अकेडमी। अगर आपका गोल जो है वो सी एस आई आर यू जी सी नेट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई आर यू जी सी नेट, देन अन अकेडमी विल हेल्प यू। जी हाँ, तो आपके लिए, आपके गोल को आपके सपने तक करीब पहुंचाने के लिए अन अकेडमी विल हेल्प यू। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक सी एस आई आर यू जी सी नेट, देन येस वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी। गेट द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। सो अगर आपका टारगेट जो है सी एस आई आर 2023 है, तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो मेरे पास, अगर आप मुझे जानते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज माई नेम इज वीरेंद्र सिंह एंड ये मेरी प्रोफाइल है। आई टीच सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस ऑन एन अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव क्वालिफाइड सी एस आई आर डी बी टी एंड गेट विद दीज ए आई आर्स, इस ए आई आर से। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी, नो डाउट दैट ये लीजेंड वगैरह एज इट इज तो बहुत कुछ नहीं है, बट येस इन्होंने जो कैटेगरीज अन अकेडमी का जो प्रोफाइल कैटेगरी यूज होता है उसमें ये आता है। माई पी एच डी इज फ्रॉम आई आई टी बी एच यू, मेरी पी एच डी जो है आई आई टी बी एच यू से चल रही है, एंड आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द बी टेक एज वेल एज इन द एम टेक। आई वॉज नोन फॉर द इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस, सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई वॉज नोन फॉर ट्रिक मास्टर एज वेल, कई सारे लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ और मैं 1000+ क्वालिफाइड लर्नर्स को मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे गाइड कर चुका हूँ। तो जी हाँ, आप इसके लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं सी एस आई आर को। तो वॉट अनअकैडमी ऑफर्स, अनअकैडमी आपके लिए ऑफर क्या करता है? अनअकैडमी ऑफर करता है लाइट सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है? लाइट सब्सक्रिप्शन में मिलता है टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। लाइट में ये दोनों चीजें मिलती है, प्लस में क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रैक्टिस मिलते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। ये चीजें मिलती है आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे।
आइकॉनिक में क्या चीजें मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको प्लस में एक और चीज है जो आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। आइकॉनिक की अगर बात करें तो इसमें लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेशंस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है, हार्ड कॉपी नोट्स है, सॉफ्ट कॉपी के बजाय कैसा नोट्स है, हार्ड कॉपी नोट्स है, एंड पर्सनल कोच आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टडी प्लानर्स एंड रिव्यू सिस्टम आपको यहाँ पे है, बूस्टर सेशंस मिलते हैं, एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में आप इस साइट से चीजें देख सकते हैं। तो अनअकैडमी जो है इन तीन तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकता है। साथ ही में अनअकैडमी ने नोट्स का सेक्शन भी ऑफर किया था, जिसमें लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस की कैटेगरी फॉलो करती है। द कोर्स दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज क्यूरेटेड बाय द क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अनअकैडमी। एक्सेस कर सकते हैं आप नोट्स को कहीं पे, किसी भी टाइम पे, एंड हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है आइकॉनिक लर्नर्स के लिए। जो आइकॉनिक लर्नर्स है उनके लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है, और जो आपके कह सकते हैं प्लस लर्नर्स है उनके लिए इन ऐप नोट्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलती हैं नोट सेक्शन में। अनअकैडमी के लिए अगर आप CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, दैट इज आइकॉनिक वन, और दूसरा ऑप्शन है प्लस वन। ये दोनों ऑप्शन जो है आप ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन योर लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट एज वेल। अनअकैडमी पे जब हम बात करते हैं तो मेरे कई सारे प्लस कोर्सेज जो है वो अनअकैडमी पे है, जिनके बारे में आप सीख सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज अनअकैडमी पे मेरे चल रहे हैं प्लस कोर्सेज पे? पहला है कंप्लीट कोर्स ऑन बायोकेमिस्ट्री, 5th of January से स्टार्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस कोर्स 9th of January से स्टार्ट, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कंप्लीट कोर्स ऑन सेल बायोलॉजी, जो कि 13th of February से स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल प्रोसेसेस, जो कि आपके 1st of March से स्टार्ट है, किसी ये वाला कोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्लीट कोर्स ऑन इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है ये 20th March से है, एंड मेथड्स इन बायोलॉजी जो है 12th of April से शुरू हो रहा है। तो ये प्लस कोर्सेज जो आप देख रहे हैं लगभग लगभग ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे विजिबल होंगे, आप जाके वहां से इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है विरन लाइव। ये कोड जो है आपको कितना जो भी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 10% या मोर देन दैट, वो आपको ऑफर होगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी पे बैच कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। वो कौन से बैच कोर्सेज है जो आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं? एक जेनेसिस 2.0 बैच जो है वो शुरू हो रहा है, डिटेल बैच, 5th ऑफ जनवरी से। इसके बाद बायोक्रैकर्स 2.0 24th ऑफ नवंबर से ये चल रहा है। इसके अलावा जो है रिवीजन मैन 9th ऑफ दिसंबर से ये चल रहा है बैच, और 26 दिसंबर से क्विक रिवीजन बैच जो है वो चल रहा है। तो ये सारे बैचेस जो है वो आपको चल रहा है। इसके अलावा और भी बैचेस अपकमिंग टाइम में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, तो बैच कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। याद रहे जो रेफरल कोड आपको यूज करना है वो रेफरल कोड जो है वो विरन लाइफ। इस रेफरल कोड से जो है आप डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम प्लस कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम बैच कोर्सेज, स्पेशल फ्री क्लासेस भी होते हैं। अगर जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है उनके लिए फ्री क्लासेस भी ऑफर किए जाते हैं। फ्री क्लासेस में कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मार्कर्स, इम्यूनोलॉजी, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर मेनी मोर क्लासेस यू कैन विजिट माई प्रोफाइल फॉर मोर एंड मोर फ्री क्लासेस, आप विजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए या क्लास नोट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक के साथ जा सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम चैनल के नाम से भी जुड़ सकते हैं, दैट अनअकैडमी अंडरस्कोर वीरेंद्र अंडरस्कोर सेन। ये अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से विजिबल होती है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल जो है वो आपको विजिबल होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड डाउनलोड और चीजों करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।